हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी एन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 33 करेंगे, इंग्लिश की 18 नवंबर की क्लास 8 की। आज हम डिटरमिनर्स की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, डैश ऑफ टू सिस्टर इज मैरिड। जो वो सिस्टर्स है वो मैरिड है। अब यहाँ पे बोथ लगेगा, एवरी लगेगा, ईच लगेगा या एनी लगेगा? तो यहाँ पे लगेगा बोथ ऑफ द टू सिस्टर्स, दोनों की दोनों सिस्टर जो है वो मैरिड है। अगला, यू कैन पिक डैश ऑफ टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू कैन पिक आइदर ऑफ टू, तुम दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो हम लगाएंगे यू कैन पिक आइदर ऑफ टू, वी शुड इन्फॉर्म डैश ऑफ देम। यहाँ पे क्या लगेगा, वी शुड इन्फॉर्म ऑल ऑफ देम, हमें उन सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अगला, दे हैव स्पेंट डैश फॉर देयर सन्स वेडिंग, दे हैव स्पेंट इनफ मनी फॉर देयर सन्स वेडिंग, कि जो वो लोग हैं उन्होंने बहुत ही जो पैसे हैं वो खर्च कर दिए अपने सन की वेडिंग में। डैश ऑफ द कैंडिडेट पास दिस एग्जाम, यहाँ पे क्या लगेगा, फ्यूअर, बहुत ही कम जो कैंडिडेट्स थे वो ये एग्जाम को पास कर पाए। तो फिफ्थ आपका इस तरह से बनेगा। सिक्स्थ, डैश ऑफ द डेडलाइंस इज मेट, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा डेडलाइंस के संग, नाइदर, नो, मच या फिर नो? तो यहाँ पे लगेगा नाइदर, नाइदर ऑफ द डेडनेस हैज मैच, कोई भी डेडनेस को अभी तक मैच नहीं कर पाए। कैन आई बोरो डैश शुगर, कैन आई बोरो सम शुगर, क्या मैं कुछ शुगर ले सकता हूँ? डैश पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन, तो यहाँ पे लगेगा द फ्यू, जो बहुत ही कम मात्रा में द फ्यू लगता है। तो कुछ ही पार्टिसिपेंट्स थे ऐसे जिन्होंने मीटिंग को बीच में छोड़ा। इट सीम्स दैट दे वुड नीड डैश वर्कर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन, इट सीम्स दैट दे वुड नीड सम, ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ वर्कर्स चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए। कैन डज हेल्प मी, तो यहाँ पे आएगा कैन समबडी हेल्प मी, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? अगला, डैश दोज स्टूडेंट्स वर पनिश्ड, तो यहाँ लगेगा ऑल दोज, वो सभी बच्चों को पनिश किया गया, ऑल दोज स्टूडेंट्स वर पनिश्ड। तो बच्चों आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, अगले असाइनमेंट्स के संग। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।